हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 हेल्दी स्नैक्स जो हेल्प करेंगे आपको वेट गेन करने में। सो अगर आप वेट गेन करने का सोच रहे हो तो 3 बड़ी मील्स के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में हर मील के 2-3 घंटे बाद छोटे छोटे स्नैक्स भी लो। और आपके स्नैक्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रोटीन का, कार्ब्स का और हेल्दी फैट्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइज, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब देन These two is absolutely free and it really motivates me to bring more videos for you. Aur video agar aapko achhi lage then please give it a thumbs up. So let's get started. सबसे पहला स्नैक है हाई प्रोटीन लड्डूस। यस गाइस, मैं कोई फैंसी चीज़ें आपको नहीं बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप इजीली बना भी सकते हो और इजीली खा भी सकते हो। सो गाइस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर आप वेट गेन करने का सोच रहे हो तो स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ खाना या फिर 5-6 मील्स खाना, उनको बनाना, उनको सोचना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इस सिचुएशन में लड्डू एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक सेवियर की तरह काम करेगी, बिकॉज आप इनको बना के स्टोर कर सकते हो, आप ज़्यादा क्वांटिटीज में इनको बना सकते हो, आप इनको बहुत देर तक स्टोर कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कहीं करने जा रहे हो तो भी आप इनको अपने साथ कैरी कर सकते हो। सो गाइस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लड्डूज हैं जो आप खा सकते हो, और बेटर ये है कि आप घर पे उनको बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। तब आपको पता होगा कि आपने उसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, एंड दे आर हाइजेनिक ऑल्सो। सबसे मेजरली जो लड्डूज आपको हेल्प करेंगे वेट गेन में आर ड्राई फ्रूट्स लड्डूज। यस, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर रियली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इन प्रोटीन्स, इन गुड हेल्दी फैट्स, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे वो आते हैं गोंद के लड्डू, दे विल रियली रियली हेल्प यू इन वेट गेन। इवन अगर आपको बेसन के लड्डू पसंद है आप वो भी खा सकते हो। इस लड्डू खाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मीठी चीजें खानी है, एग्जाम्पल जैसे मोतीचूर का लड्डू हो गया या ये सब चीजें हो गई, ये आपको नहीं खानी है। दीज आर जस्ट फैट्स एंड दीज आर सैचुरेटेड फैट्स जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो गाइस, अगर आपको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, अगर आप कभी किचन में गए ही नहीं हो, एक बहुत ही ईजी 3 इंग्रीडियंट लड्डू बताऊंगी और आप उसको बहुत ईजिली बना सकते हो। सो आपको जस्ट क्या करना है कि आपको लेने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के, जो भी आपको पसंद हो, आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, जो भी, आपको उनको हल्का हल्का क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आपको चाहिए होगा पीनट बटर और आपको चाहिए होगा हनी। हनी की जगह आप यूज कर सकते हो खजूर या फिर जिसको हम कहते हैं डेट्स। तो आपको इन तीनों चीजों को मिक्स करना है, और पीनट बटर बहुत स्टिकी होता है तो आपके लड्डू उसको बहुत अच्छे से बाइंड कर देगा। आप इनको बना लो, इसमें कोई कुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। जस्ट बना के आप इनको फ्रिज में डाल लो, जब भी आपका मन करे आप इनको खा लो। स्पेसिफिकली अगर आपने कोई मील ली है तो उसके 2-3 घंटे बाद अगर आप छोटे छोटे स्नैक्स लोगे तो आपके वेट गेन में वो काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज आपका कैलरी इनटेक वो ईजिली बढ़ा देगा। सो कैलरी इनटेक बढ़ाना इनके थ्रू आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या बनाऊँ या क्या खाऊँ। सो गाइज, नेक्स्ट स्नैकिंग ऑप्शन है हाई कैलरी ठंडाई। यस गाइज, ठंडाई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अपनी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऐड करने के लिए। सो गाइस, मैं आपके साथ डेफिनेटली ठंडाई बनाने की रेसिपी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मुझे एक बहुत अच्छी रेसिपी मिली है यूट्यूब पे जो कि एक बहुत अच्छी हाई कैलोरी ठंडाई रेसिपी है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। आप अपने हिसाब से उसमें चीजें कम ज्यादा कर सकते हो, आपके पास जो है जो नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर कि जब आप ठंडाई बनाओ तो आप उसको फुल फैट मिल्क में बनाओ, तभी वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा कैलोरी इनटेक बढ़ाने में। सो गाइस, ठंडाई आपके लिए बहुत अच्छा वेट गेन ऑप्शन है। उसके साथ साथ ठंडाई के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं। ठंडाई आपको एनर्जी देता है, आपको इम्यूनिटी देता है, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सो इट्स गुड कि आप उसको घर पे ही बनाओ, आप उसको स्टोर करके रख दो और आप उसको बहुत बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो। जब भी आपका मन करे 1-2 चम्मच आपको दूध में मिलाने हैं, आप उसको पी सकते हो। वेरी इजी टू मेक, जस्ट एक बार की मेहनत है और उसके बाद 2-3-4 महीने तक के लिए आपके लिए आराम है। डेफिनेटली समथिंग जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम और मनी। गाइस, थर्ड स्नैकिंग ऑप्शन है पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच और चीज एंड पनीर सैंडविच। गाइस, अगर आप 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर खाते हो तो वो आपको देता है ऑलमोस्ट 190 कैलोरीज और 16 ग्राम फैट। 16 ग्राम फैट गाइस काफी हाई अमाउंट ऑफ फैट है, बट जो पीनट बटर का फैट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट यानी कि बैड फैट बहुत कम होता है और गुड फैट की क्वांटिटी ज्यादा अच्छी होती है। सो पीनट बटर इज डेफिनेटली अ रियली गुड फॉर
फॉर यू। गाइस पीनट बटर के साथ अगर आप बनाना मिक्स कर देते हो तो गाइस इट गिव्स यू रियली हेल्दी कार्ब्स, इट गिव्स यू फाइबर, इट गिव्स यू पोटेशियम। के साथ गाइस आपको होल ग्रेन ब्रेड ऐड करनी है, आपको व्हाइट ब्रेड ऐड नहीं करनी है, आपको ब्राउन ब्रेड या फिर होल ग्रेन ब्रेड ही ऐड करनी है। दैट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स। अगर आपको इनके इस बनानास नहीं ऐड करने हैं तो आप जस्ट पीनट बटर सैंडविच भी खा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो गाइस ये तो हो गया स्वीट ऑप्शन। अगर आप कोई सेवरी चीज खाना चाहते हो देन चीज एंड पनीर सैंडविच एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग का, जो आपको वेट गेन में हेल्प करेगा। सो चीज सैंडविच या फिर पनीर सैंडविच या फिर दोनों को अगर आप मिक्स करके सैंडविच बनाना चाहते हो दे आर रियली गुड फॉर यू। बहुत हाई इन कैलोरी है, कैलोरी डेंस है, बट जस्ट मेक श्योर गाइज बिकॉज चीज जो होता है वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल में हाई होता है, सो आपको राइट अमाउंट ऑफ चीज खाना है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं खाना है आपको। अगर आप वेट गेन कर भी रहे हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको चीजें खानी है बट एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खानी है, बिकॉज एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती आपकी बॉडी के लिए। इसलिए गाइज मैं पर्सनली ये रेकमेंड करती हूँ कि तीन बड़ी मील्स लेने से अच्छा ये होता है कि आप तीन मॉडरेट साइज मील ले लो और उसके बीच में आप दो या तीन स्मॉल साइज मिनी मील्स ले लो, तो आई थिंक वो ज्यादा आपकी बॉडी को एक बेटर प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स और हेल्दी फैट्स देता है और आपके लिए कंज्यूम करना भी उसको ईजी हो जाता है। सो गाइज फोर्थ स्नैकिंग ऑप्शन इज बॉइल्ड पोटेटो स्नैक्स या फिर इन जनरल पोटेटो स्नैक्स। सो गाइज पर्सनली जब मैं वेट गेन करना चाह रही थी तो मैंने बहुत ज्यादा पोटेटो कंज्यूम किया था और इन जनरल मुझे पोटेटोज बहुत पसंद भी है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हर तरीके से खाती थी बट डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप हेल्दियर वर्जन ऑफ पोटेटो स्नैक्स खाइए और आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बॉइल्ड पोटेटो खा लीजिए, मतलब लेस ऑयल में खाइए, ये अवॉइड करिए कि आप फ्राइड चीजें ना खाएं बिकॉज वो आपको हेल्दी फैट्स नहीं देता, वो आपको सैचुरेटेड फैट्स देते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो डेफिनेटली पोटेटो इज वन थिंग विच इज अ वेरी ईजी, वेरी टेस्टी एंड ऑल्सो अ क्विक वे टू ऐड कैलोरीज, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। सो गाइज द लास्ट स्नैकिंग ऑप्शन इज फुल फैट योगर्ट बोल्स। सो पहले जितने मैंने आपको बताया वो थोड़े से हैवियर ऑप्शंस थे, हो सकता है आपको अपने स्टमक पे थोड़े से हैवी फील हो, बट गाइज योगर्ट इज वन थिंग जो समर्स में बहुत अच्छा लगता है और बहुत रिफ्रेशिंग लगता है खाने में, और जब आप उसमें थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लो तो वो और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। सो इनकेस ऐसे डेज हैं जब आपको कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, मेरे लिए बहुत ही ईजिली योगर्ट बोल्स बना सकते हो। दही तो सबके घर में होता है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका दही है वो फुल फैट मिल्क से बना है, तभी वो फुल फैट योगर्ट होगा, तभी वो फुल फैट दही होगा और तभी वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। सो गाइस योगर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी डाइट में कैलोरीज ऐड करने का और टेस्टी ऑप्शन भी है। पर्सनली मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। योगर्ट आपको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स देता है, सो इट्स रियली रियली गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम आप उसको और कैलोरी रिच बनाने के लिए उसमें एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक आप उसमें डार्क चॉकलेट ऐड कर सकते हो, आप उसमें नट्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें सीड्स ऐड कर सकते हो जैसे कि सनफ्लावर सीड्स या फिर पम्पकिन सीड्स, अपने मनपसंद की चीज़ें ऐड कर सकते हो या फिर सीजनल फ्रूट्स लाइक बनाना या फिर आजकल मैंगो आ रहा है तो आप मैंगो ऐड कर सकते हो। गाइज एडिटिंग करते हुए आई रियलाइज कि मैं योगर्ट आइसक्रीम तो मेंशन करना भूल ही गई, सो इसकी रेसिपी में मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। ये भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बिकॉज अभी समर्स हैं तो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है। सो गाइज इन पांचों स्नैक ऑप्शंस की रेसिपीज मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड लास्टली गाइज आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट माय चैनल इज नॉट अ फिटनेस चैनल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैं जो भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करती हूँ, वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे लिए वर्क करी हैं, व्हिच हैव हेल्प्ड मी इन माय वेट गेन जर्नी। एंड सेकेंडली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं ऐसी वीडियोस की, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, आई नो हाउ इट फील्स, सो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करना चाहती हूँ इसलिए मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।